बता दें बीजेपी की तरफ से एक और वीडियो जारी कर सत्येंद्र जैन पर हमला बोला गया है बीजेपी का, आम आदमी पार्टी पर ये बड़ा हमला। एक और वीडियो यहां पर सत्येंद्र जैन का जारी किया गया है और इस वीडियो के जरिए एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर हमला बोला गया है। तिहाड़ जेल का ये नया वीडियो है जिसके बाद एक बार फिर से बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने एक और वीडियो जारी किया है सत्येंद्र जैन पर, आरोप जो लग रहे हैं मसाज करने के भी आरोप लगे थे, एक वीडियो जारी किया गया था, लेकिन एक और नया वीडियो जारी किया गया है और फिलहाल एक बार फिर से बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। सत्येंद्र जैन पर एक और हमला बोला गया है, एक और वीडियो जारी किया गया है बीजेपी की तरफ से, ये वीडियो जारी किया गया है, ये बहुत बड़ा हमला। देखिए ये वीडियो जो है नया वीडियो जारी किया गया है और बीजेपी ने इसे जारी किया है। एक बार फिर से यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए नजर आ रही है बीजेपी, क्योंकि इससे पहले जो मसाज करने वाला वीडियो जारी किया गया था उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार किया गया था, उनकी तरफ से कहा गया था कि फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत सत्येंद्र जैन को होती है। लेकिन अब तिहाड़ जेल का एक और नया वीडियो जारी किया गया है, शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर बाकायदा ये वीडियो जारी किया गया है। ये तिहाड़ जेल का एक नया वीडियो है और एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी हमलावर होते हुए सत्येंद्र जैन पर। तो सत्येंद्र जैन पर आरोप का ये नया वीडियो, तिहाड़ जेल का ये नया वीडियो जारी किया गया है, बीजेपी की तरफ से ये नया वीडियो जारी किया गया है और शहजाद पूनावाला ने बकायदा ट्वीट कर ये वीडियो जारी किया है। नया वीडियो सामने आया है जिसमें कि सत्येंद्र जैन दिखाई देते हैं कि उन्हें बाहर से खाना लाकर परोसा गया है, वो भी एक नहीं दो दो व्यक्तियों के द्वारा, और खाना सैलेड ये सारी सुविधाएं वहां पर उनके लिए उपलब्ध है। क्या ये भी किसी ट्रीटमेंट का हिस्सा है या ये वीवीआईपी करप्शन ट्रीटमेंट और करप्शन थेरेपी का हिस्सा है? तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, शहजाद पूनावाला की तरफ से ट्वीट कर बकायदा ये वीडियो जारी किया गया है। आरोप ये लग रहा है कि बाहर से खाना उन्हें दिया जाता है और आराम से वो तिहाड़ जेल में रह रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है और एक बार फिर से यहाँ पर बड़ा आरोप लगाती हुई बीजेपी आम आदमी पार्टी पर।